हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए चार जॉब रोल अवार्ड्स ही लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर 2020, 2021 एंड 2022 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। चारों ही जॉब रोल अवार्ड्स आपको काफी अच्छी देखने मिल जाती है। 4.5 एलपी टू 5 एलपी तक आपको पैकेज देखने मिल जाता है। डेफिनेटली आपको इन जॉब को मिस आउट नहीं करने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको चैनल पे और भी बहुत सारे ऑफ कैंपस ड्राइव अपॉर्चुनिटीज देखने मिल जाते हैं। ये टेक महिंद्रा की जो जॉब है गाइस, जहां पर आपको 3.25 एलपी का पैकेज देखने मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाने वाला है आफ्टर एग्जाम। तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर से जरूर आप चेकआउट कीजिए गाइस। ओके, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके आप देख सकते हो, वोल्वो की तरफ से हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिल जाती है। ग्रेजुएट इंजीनियर की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। बेंगलुरु यहाँ पे आपको लोकेशन देखने मिल जाती है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लीजिए गाइस, तो बी बी टेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एमएम टेक कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे आपको 65% का क्राइटेरिया देखने मिल जाता है। ग्रेजुएट इंजीनियर की जॉब है, बी बी टेक कैंडिडेट्स, एमएम टेक कैंडिडेट्स, पास आउट बैच 2020, 2021 एंड 2022 बैच अप्लाई कर सकते हैं। 65% का क्राइटेरिया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी चीजें देखने मिल जाती है। रिक्वायरमेंट्स के देख सकते हो आप, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, लेकिन फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म आपके पास होना चाहिए। वॉल्वो कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी हायरिंग है गाइस, जहां पर सभी स्ट्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आप सभी के लिए। अगर आप एमईएम टेक कैंडिडेट्स हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको थर्ड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी डाटा पैटर्न्स कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, तो डाटा पैटर्न कंपनी हायर कर रही है। जॉब लोकेशन की बात कर ली जाए, चेन्नई लोकेशन आप सभी के लिए मेंशन की गई है। वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है एंड परमानेंट जॉब होने वाला है, जहाँ पे आपको 3 इयर्स का बॉन्ड देखने मिल जाता है। सीटीसी की बात कर ली जाए, यहाँ पे आपको 3.6 एलपीए आपको देखने मिल जाता है एंड 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद 4.8 एंड 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 6 एलपीए। इस तरह से यहाँ पे आपको सैलरी इंक्रीमेंट देखने मिल जाता है। बी बी टेक एम टेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचेस मेंशन की गई है, ENI, ECE, EEE, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑप्टिक्स, VLSI, मल्टीपल यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ब्रांच मेंशन की गई है। अगर आप इस ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2020 एंड 2021 ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 60% का क्राइटेरिया देखने मिल जाता है। 10th में 12th में एंड ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए एंड आपके कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको आना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायोड हो गया, गुड रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो, रिक्वायर्ड स्किल सेट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सभी चीजें आप चेकआउट कीजिए एंड इसमें अप्लाई कर दीजिए गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे आप स्क्रोल ऑन करोगे तो आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने मिल जाती है एंड एकदम बॉटम में आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने मिल जाता है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, डिटेल्स फिलअप करके सबमिट क्लिक करके आपको इस जॉब में अप्लाई कर देना है। लास्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको ग्लोबल लॉजिक टेक्नोलॉजीज की तरफ से देखने मिल जाती है, जहाँ पे आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल देखने मिल जाता है। गुड़गांव यहाँ पे आप सभी के लिए लोकेशन है गाइस, जहाँ पर बी बी टेक, एम सी ए एंड एम टेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओनली CSE कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज की बात कर ली जाए, अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो आपको 3 एलपी का पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको 4.5 एलपी का पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्निकल स्किल्स आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए। SQL का नॉलेज होना चाहिए आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ओप्स कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके, C++, पाइथन, जावा, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है एंड इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। ओके, तो आई होप गाइस आपको सभी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी डिटेल में समझ आ गई हो। अगर आप जो भी जॉब के लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली वहां पे अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।